जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप HNB गढ़वाल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप किसी भी UG और PG में सेमेस्टर वाइज अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, उनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये सर्कुलर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, तो मैं आपको मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो एज पर द डिस्कशन एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हेल्ड थ्रू जूम ऐप ऑन 14th अप्रैल, द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ इवन सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन 19-20। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप किसी भी अंडर यूजी में या फिर पीजी में हो, अगर आपके इवन सेमेस्टर हैं तभी आपका एग्जाम होगा, अदरवाइज अगर आप ऑड सेमेस्टर में हैं तो आपको मंथली या जो भी आपके टेस्ट वगैरह असेसमेंट होंगे उनको उनके आधार पर आपको अगली सेमेस्टर में पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके इवन सेमेस्टर हैं, यानी कि आपके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर है, तो आपके एग्जाम होंगे। तो आप आइडिया लगा लीजिए आप किस सेमेस्टर में हैं। तो इन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि कंडक्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर इवन सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक सेशन 19-20 एज द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। जैसे ही लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर लॉकडाउन नहीं खत्म होता है तो फिर भी आई होप सो कि यही सर्कुलर आगे भी जारी रहेगा। उसके आगे इन्होंने लिखा है कि द पैंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू COVID-19 बिकम्स नॉर्मल इन द कंप्लायंस विद द सैचुरिटी डायरेक्शन एडवाइजरी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC MHRD फॉर द टाइम टू टाइम। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये 3 मई लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तभी ये एक्टिवेट होगा, लागू कि आपका इवेंट सेमेस्टर होगा। उसके बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD और UGC की जो गाइडलाइन आती है उसके अनुसार ही आपके एग्जाम्स होंगे। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान दीजिए कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो भी केवल आपके इवेंट सेमेस्टर के ही एग्जाम होंगे, ठीक है। अगर इन्होंने इस लॉकडाउन में इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम कराने की सोच रही है, तो नेक्स्ट अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आप अपने से इमेजिन कर सकते हैं कि कंडीशन वर्स होती जाएगी, टाइम कम बचेगा, तो आपका जो इवन का सेमेस्टर होगा, तो अगर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस सेमेस्टर में होंगे। आई होप सो कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे, थैंक गॉड बचा लिया है COVID-19, हम तो ऑड में ऐसे ही पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि देयरफॉर ऑल कंसर्न आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hnbu.ac.in या फिर ऑनलाइन hnbu.ac.in पर ही विजिट करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई अफवाहें चल रही कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये फलाना ढिमका, लेकिन आपको किसी पर विश्वास नहीं करना, ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट करना है, वेबसाइट करना है, और जैसी कोई अपडेट आएगी कहाँ मिलेगी आपको, ओनली ऑन पाई नौकरी। तो यार नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से इस न्यूज को शेयर करो। आई होप कि अगर आपके इवन सेमेस्टर होंगे तो आप अपनी एग्जाम की तैयारियों में जुट जाएंगे आज अभी और इसी वक्त से, और जिनके ऑड होंगे उनके तो बल्ले ही बल्ले हैं।